छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को कटनी जिले के बहौरी बंद विधानसभा में भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने खजुराहो लोकसभा के अंतर्गत कटनी के बहौरी बंद में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा, जब से हम सरकार में आए हैं नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे सैनिकों नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है, जिस पर कांग्रेसी लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। इसके आगे सीएम साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा कर सैनिकों का मनोबल गिराने का काम किया है। लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ में जब से सरकार में आए हैं नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले अभी तक की सबसे बड़ी सफलता हमारे सैनिकों को मिली है, 29 नक्सली एक दिन में मारे हैं, उसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उसको भी बोलते हैं कि ये नकली है, नकली मुठभेड़ है, जबकि नक्सली लिस्ट जारी कर रहे हैं कौन कौन मारे गए हैं। उसमें 2 नक्सली 20-20 लाख के इनामी, 1 नक्सली 10 लाख का इनामी, और उसको ये लोग तो सर्जिकल स्ट्राइक और रेन स्ट्राइक जो मोदी जी किए पाकिस्तान के ऊपर में, उसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले हैं। ऐसे लोग ये कांग्रेसी लोग सैनिकों का मनोबल गिराने वाले, तो अब इनकी दुर्गति मतलब होने वाली है। लोग पूरी तरह से इनका जहाज में छेदा हो गया है और कभी भी इनका जहाज डूब सकता है।